हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब जन। सुबह हो चुकी है, सुबह के राम राम। मैं हूँ आपकी अपनी रोशनी चौहान। तो गाइस, मुझसे इंट्रोडक्शन का वीडियो है जो डिलीट हो चुका है और गलती से, तो आज मैं बस ऐसी वॉइस डाल रही हूँ। हम जा रहे हैं हैप्पी बर्थडे विश करने के लिए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। केक काटेंगे शाम को, पार्टी करेंगे, पार्टी हो रही है। मेरी बर्थडे है, तुम्हें सारे हमारे घर पर जो मजूर आए हैं सब काम कर रहे हैं। आइसक्रीम दे दी, बाहर तो नहीं गई आज कुछ भी करने के लिए। दान पुन जो मैं शाम को जाऊंगी, ये लोग जाएंगे कि बाद में, तभी जो घर में होगी। जयराज लो, मैं बर्थडे से आई थी। एक चमचे का पप्पा ना दीजिए ना। हंस रही है। मेरे हर साल मेरी बर्थडे पर ऐसा ही होता है, पता नहीं मैं कैसे टाइम पर जन्म लिया है मैंने। मेरी बर्थडे के दिन बारिश होती है और मैं कोई ज्यादा एंजॉय नहीं कर पाती हूँ। और आप देख सकते हो, लग रहा है मैं बर्थडे गर्ल हूँ। और मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ हमारे कितनी बारिश हो रही है। जो बाहर सिर्फ खाना खाने जाने वाले थे ना, लगता है वो भी नहीं जा पाएंगे। पूरी सोसाइटी में पानी 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 हो चुका है, अब कहाँ जाएंगे हम। ये ऐसी बर्थडे होती है हमारी हर साल। कोई बर्थडे ऐसी होगी जो मेरी गई होगी अच्छी, बाकी सारी बर्थडे मेरी ऐसी ही जाती है। बारिश देखो बहुत ही खतरनाक हो रही है, लग नहीं रहा कि बंद होगी। और ये लड़की मेरे पर हंस रही है बैठे बैठे। फिर आप बोलोगे कि आप एक ऐसे ही ब्लॉग दिखाते, तो मैं क्या करूं, कुछ अच्छा दिखाने का होता है तो मेरे पर ग्रह लग जाता है, मैं क्या दिखाऊं आपको। मैं इतना प्यारा सूट लेकर आई थी मेरे लिए। मैं सूट पहन के रील शॉर्ट्स बनाऊंगी और बाहर घूमी घूमी करने जाऊंगी। पानी पानी हो चुका है, पानी पानी, हमारी इच्छाओं पर पानी पानी हो चुका है। हम आ चुके बड़े घर पर, हमने मजूर चले गए थे, हमने घर का सारा काम फिनिश कर दिया है। फिर मैंने सोचा लाओ मम्मी को धोख नहीं खाए थे, फिर हमारी जिठानी को धोख नहीं खाए थे, तो हम यहीं आ गए और मैं यहीं से तैयार होके हम लोग जाएंगे। तो ये देखो छोटी बच्ची की तरह मेरी मम्मी है और एक यहाँ तैयार हो रही है। हाय गाइस, तो आज हम कुछ न... तो गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ और हनी मेरी हेयर स्टाइल बना रही है। क्या आंटी, मैं आपको हेयर स्टाइल बना के देती हूँ। तो अभी पूरी रेडी नहीं हुई, मैं आपको दिखाती हूँ बाद में। गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ और कैसा लग रहा है मेरा शूट। ये मैंने ऑनलाइन परचेस किया है और हनी ने मेरी चोटी बनाई है। आप देख सकते हो कुछ अलग स्टाइल से। और मुझे बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही थी और बाल पूरे कटके कटके हो चुके हैं, तो मैंने ऐसी बना दी। तो कैसे लग रही है, और आज बर्थडे पार्टी के लिए ऐसे रेडी हुए हैं हम। ज़्यादा बहुत वो नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ बाहर खाना खाने जा रहे हैं और केक कट करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। आ रही है और छुप के खड़ी है, इसके चाचा को सब पता चली जाएगा कि ये खड़ी है। इसके पापा ने इसकी पोल खोल दी है, ये छुप के खड़ी है ऐसा, पर कोई बात नहीं है। ध्रुवी खड़े खड़े थक चुकी है, चाचा वहाँ गाड़ी लेके पियो लेके खड़े है, गाड़ी जा रही है इसलिए वे खड़े खड़े देख रहे हैं। और देखो इनकी बर्थडे ऐसे लग रहे हैं। उसके बदले उसके पापा आ चुके। घबरा ही गए।
देखियो यहाँ एकदम और यहाँ सारे कपड़े सूख रहे हैं। हेलो गाइस, तो हम अब केक खोलने के लिए जा रहे हैं। सो लेट्स वॉच। गाइस हम ये खोल रहे हैं, कैसा केक है देखते हैं। वो इट्स वेरी अमेजिंग। नाइस। वन मिनट। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे डियर आंटी। हैप्पी बर्थडे टू यू। फोटोशूट चल रहा है, फैमिली फोटोशूट। आप देख सकते हो कितने खुश लग रहे सब। देखो गाइस, देखो पहली गिफ्ट है मेरी ये। और मेरी गिफ्ट दो। आज इन्होंने मेरे को गिफ्ट ही नहीं दी है। ये तो अच्छी दिख रही है। बड़े भैया ने भी मुझे पूछा घर बन रहा है, वो गिफ्ट है। वाह काका वाह। हां बेटे मौज कर दी। बड़ा खर्चा हो जाएगा। तो ये मेरे नाम पर नहीं किया है घर। अरे दे दिया क्यों ना? सो अरे घर बना था मोबाइल लाके तो गाइज हम ऐसी जगह पे जा रहे थे जो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। मुझे लगा कि कोई अच्छी जगह पे लेके जा रहे होंगे। तो बच्चे वहाँ पे पिज़्ज़ा वगैरह खाने गए होंगे तो उनको बहुत ही बढ़िया लगा होगा, तो बोले चलो जाते तो जाते होंगे। तो मुझे लगा कि कोई बहुत अच्छी जगह पे लेकर जा रहे होंगे, पर एक फूड वैन थी उसी के अंदर वो बच्चे खाने जाते होंगे पिज़्ज़ा वगैरह बर्गर वगैरह। तो फिर हमें वहाँ लेकर गए। मैं बोली यार मुझे कैसी जगह पे लेकर आ गए, मेरी बर्थडे है और आज के दिन मुझे यहाँ पर जाके खाना खाना पड़ेगा। फिर सभी लोगों ने मुझे बोला हर टाइम हम ऐसी जगह पे ही जाते हैं, फिर कभी हर एक चीज़ का मज़ा लेना चाहिए, टेस्ट करना चाहिए। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं। फिर ये भी हमारे समाज के ही निकले, उन्होंने खोली हुई थी, पर ये मुझे तो बिल्कुल ही पता नहीं था, सबको पता था। फिर चलो मेरे दिल को मैंने मना लिया, पर मूड तो मेरा तो भी आउट हो ही चुका था, मेरा मूड था ही नहीं। मैंने कुछ अलग ही सोच रखा था, पर कोई नहीं, अभी जो लिखा है वो होता ही है। और फिर खाने के बाद तो मेरा मूड अच्छा ही हो गया, क्योंकि बहुत ही टेस्टी बनाया था, बहुत ही गजब की थी हर एक चीज़। ऐसा तो हम रेस्टोरेंट में जाते तो भी नहीं मिलता, और हमारे रिश्तेदार भी थे इसलिए इन्होंने अच्छा लगा। अच्छा बना कर दिया। बहुत जीत करने से और मूड आउट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो साथ में फैमिली के साथ जाते हैं तो सबके राय अलग अलग होती है और सबके विचार भी अलग अलग होती है, तो फिर उनके साथ हमको सेट होना पड़ता है। तो मैं भी इसी तरह सेट हो चुकी थी। फिर मैंने तो मेरा मूड पहले आउट हो गया था, फिर तो मैंने धीरे 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 सेट किया, और मेरा मूड तो देखने लायक था। मुझे ऐसा लग रहा था मैं रो नहीं जाऊँ, बस ये देख कर कि मेरे को यहाँ जाकर नहीं खाना है, ऐसा हो गया था मेरा मूड। और सब तो मज़े ले रहे थे खाने के, हंस रहे थे, कर रहे थे, होता है कभी कभी। और आपको हमारा ये बर्थडे ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना गाइस। और हमारा बारिश की वजह से और घर में काम चल रहा है इसकी वजह से कुछ भी इतना इंजॉय नहीं कर पाए हम, पर नेक्स्ट टाइम जरूर करेंगे। अभी हमारी लेडीज़ पार्टी बाकी है, लेडीज़ पार्टी में हम बहुत ही धूम मचाएंगे, जो आपको पता ही है हम देरानी जेठानी मिल के सारे लेडीज़ पार्टी करते ही रहते हैं, तो तब हम मचाएंगे धूम। हमने पिज़्ज़ा भी ऑर्डर किया है, कहीं और जगह जाए इससे हमारे रिश्तेदार वालों के वहीं आ जाए। और ज़रूरी नहीं है कि हर बार बर्थडे कोई होटल या बड़ी रेस्टोरेंट में हो सकती है, कहीं अच्छी जगह भी जा सकते हैं जहाँ
हमारा संबंधी ने नई दुकान खोली है तो वहाँ पे भी जा सकते हैं। फूड वैन वो YouTube चल रहे ना बाहर, वो अपने समाज में ज्यादा चल रहा है। समाज का पड़ जाए, समाज का काम है। पोटेटो स्क्रीम, पोटेटो मिक्सर, स्पाइरल, स्प्रिंकल, वो बड़ा नाम है। भाभी ने दी है गिफ्ट तो मैं अनबॉक्सिंग कर लेती हूँ, इससे मुझसे रहा नहीं जा रहा है। क्या होगा इसके अंदर बस नहीं सोच रही हूँ। गेस करो, इसकी चुन्नी भी है बहुत सुंदर, चॉइस अच्छी है ऐसे तो भाभी की। तो आज का ब्लॉग यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और आपका और अपनों का ध्यान रखिए। तो आज बर्थडे का दूसरा दिन हो चुका है और मैं आपका शुक्रिया करना चाहती हूँ कि आपने आपका इतना कीमती टाइम निकाल के आपने मुझे विश किया, मेरे पिक्चर्स आपकी स्टोरी पे लगाया और बहुत सारी विशेज दी मुझे। तो तहे दिल से शुक्रिया आपका।